हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुद के इस चैनल में जिसका नाम है उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, जिसका बुक का नाम है आपका वॉल्यूम 2, रिवाइज योर सेल्फ। इसमें हम कवर करेंगे आज 41 MCQ क्वेश्चन, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को ध्यान से अटेम्प्ट करें। आप भी देखें कि आपने वॉल्यूम 1 और लूसेंट नीली वाली बुक कितने अच्छे से, कितने ईमानदारी से पढ़ी है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर मुझको मिलेगा। देखते हैं कितने बच्चे आज अपना स्कोर भेजते हैं। अगर आप स्कोर नहीं भेज रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अपने आप से कब तक बचोगे आप ये बताओ? अटेम्प्ट नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो एग्ज़ाम में नंबर कैसे आएगा? भाई, खुद का मूल्यांकन करना पड़ता है ना कि हम में कितना दम है, हमारी तैयारी कितनी स्ट्रांग है, हम कितने पानी में हैं, कितने खाई में हैं। ये सब आप कैसे चेक करोगे? सपनों में? टाइम निकालना पड़ेगा आपको इसके लिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। देखिए, मैं क्वेश्चंस को पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी सही रखूंगा, उसी स्पीड में आपको भी पढ़ना है और अपना आंसर देना है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 14 मार्च 1853, 16 अप्रैल 1853, 15 अगस्त 1853, 16 मई 1854। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ये सभी क्वेश्चंस वॉल्यूम 1 में आपके टकराए हुए हैं, आपने पढ़े हैं वॉल्यूम 1। अगर आपने बुक नहीं परचेज करी तो बुक को परचेज करके पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं वॉल्यूम 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 3 फरवरी 1925, 5 मार्च 1926, 16 अप्रैल 1920, 15 अगस्त 1930। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पहला रेल अधिनियम कब बना था? 1853, 1890, 1905, 1915। पहला रेल अधिनियम की बात कर रहा है आपसे, याद रखना आप लोग। तो ये जो बना था, ये बना था आपका 1890 में। क्वेश्चन नंबर 5, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? इस्पात उद्योग, जूट, रेल या फिर नौ परिवहन। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ की गई थी? उस समय लॉर्ड कौन था? रिपन, कैनिंग, कर्जन, डलहौजी। तो देखिए, आपको जब एग्जाम में पढ़ते हैं तो ये फालतू जो शब्द है लॉर्ड वॉर्ड बार बार मत पढ़ा करो। इस तरह से क्या होता है कि एग्जाम में आपका टाइम बहुत खर्च हो जाता है, एक एक सेकंड आपके एग्जाम में बहुत कीमती होता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, समय हमको कम लगता है। तो समय को किस तरह से बचाया जा सकता है, ये स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या है? तो 6 का राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1920, 1930, 1940, 1950। तो 7 का राइट आंसर है आपका 1950। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924, 1925, 1929, 1930, 1934, 1935, 1940, 1941। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। जी हाँ, ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? हिमसागर, कोरोमंडल, विवेक, महानंदा। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, विवेक एक्सप्रेस। देखिए, जिसकी स्पीड खास नहीं आ पा रही है मेरे साथ साथ में, वो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। और लेकिन आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी एग्जाम में, मैं सच कह रहा हूँ, टाइम बचाना है तो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे होते हैं? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए स्टार कितने होते हैं उसमें? देखिए, सितारे कह सकता है, आपको स्टार शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको पहली बात तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो बताइए 17, 16, 15, 18। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 17।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? खड़गपुर, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कलकत्ता में, मुगल सराय, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर इसका होगा आपका मुगल सराय। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? लड्डू क्वेश्चन, इमरती क्वेश्चन, राजधानी, शताब्दी, हिमगिरी या फिर गतिमान एक्सप्रेस। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 14 का राइट आंसर रहेगा आपका डी, जी हाँ डी, गतिमान एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन होते हैं? 16, 17, 20, 22, 15। राइट आंसर होगा इसका बी, 17। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 जनवरी, 16 अप्रैल, 12 फरवरी। तो 16 का राइट आंसर होगा आपका सी, 16 अप्रैल। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पेरम्बूर, केरल, पंजाब। 17, 17 का राइट आंसर होगा आपका बी। देखिए अब एग्जाम में आपको पेरम्बूर दे सकता है या तमिलनाडु, दोनों भी दे सकता है, तो दोनों चीज़ों का आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कपूरथला, सूरत, कानपुर, बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर होगा इसका आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, हाजीपुर, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। 2020 का राइट आंसर है आपका डी, हाजीपुर। उसके बाद हम बात करते हैं 21 की, भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय है? मुंबई, मालीगांव, जयपुर, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 21, 21 का राइट आंसर होगा आपका मुंबई, जी हाँ मुंबई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके रेलवे के, इसलिए आपको मुख्यालय कहाँ पर है, कौन से जोन का, कितनी ब्रॉड गेज क्या होती है, पहली रेलगाड़ी का नाम बताइए। तो जो भी है A to Z वो आपको पिछली वॉल्यूम 1 की बुक में आराम से मिल जाएगा। उसके वीडियो बन चुके हैं, कुछ वीडियो पेंडिंग है, वो भी बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अभी चल रहा है आपका नवम्बर, और नोटिफिकेशंस आने तक, जब तक नोटिफिकेशन लास्ट डेट होगी तब तक मैं दोनों बुक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। बट आपका रिस्पांस मुझे पॉजिटिव चाहिए, आपका मुझे स्कोर चाहिए, मैक्सिमम लाइक चाहिए, मैक्सिमम शेयर चाहिए। पिछले काफ़ी सारे वीडियो चैनल के रिमूव हो चुके हैं, 200 वीडियो रिमूव हुए थे मैथ के, इंग्लिश के और काफ़ी सारे लुसेंट बुक के। लुसेंट बुक का बैकअप था तो मैंने डाल दिया, बाकी मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, ना ही मेरे पास इस वीडियो का कोई बैकअप रहेगा। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतनी ही सिक्योरिटी बनी रहेगी इस वीडियो के साथ में भी, और जितना शेयर करेंगे उतना ही आसानी तक उस गरीब बच्चे तक पहुंच पाएगा ये वीडियो, जो बच्चा बुक परचेज नहीं कर सकता महंगी महंगी। तो इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वीडियो को लाइक प्लीज़ जरूर करें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मालीगांव, कोलकाता, गोरखपुर, मुंबई। तो 22 का राइट आंसर रहेगा आपका ए, जी हाँ मालीगांव। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रॉडगेज, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, 1.676 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर एंड 0.610 मीटर। 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपको 1.676 मीटर, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? वाराणसी में, पटियाला में, जमशेदपुर, चितरंजन। 24, 24 का राइट आंसर रहेगा आपका चितरंजन। कहाँ पर है हमारी जी, ये डी, डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रेलवे सुरक्षा बल, इसको बोलते हैं RPF, का गठन कब हुआ था? 1870 में, 1882 में, 1890 में, 1898 में। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, हमको निकालना राइट आंसर, तो इसका दीजिए आप राइट आंसर। 25 का राइट आंसर रहेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, मायावती या ममता बनर्जी। 26, 26 का राइट आंसर बनेगा आपका ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन, कपूरथला, वाराणसी, हरनौत। 27, 27 का राइट आंसर है आपका क्या, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के भारत का किस प्रांत राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 28, 28 का राइट आंसर होगा आपका क्या, जी ए। देखिए इसी स्पीड से बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक है, इसी स्पीड से आपको ऑप्शंस जब पढ़ेंगे तो ए
पंजाबी मन में या मुंह पर, ना ए बोलना है, ना बी बोलना है, ना सी बोलना है, ना डी बोलना है अपने रियल एग्जाम में। पहली बात तो ये, ऐसे ऐसे करके आपको टाइम बच जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा है कि पढ़ते हैं एग्जाम में तो ए बी सी, ए भी बोलेंगे बी भी बोलेंगे, नहीं आपको डायरेक्ट पढ़ना है पंजाब महाराष्ट्र तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, टिक लगा दो सीधे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है एग्जाम में, टाइम बहुत कम पड़ जाता है बच्चों को, 80% बच्चों को टाइम कम ही पड़ता है एग्जाम में। यार थोड़ा टाइम और मिल जाता तो एक आध क्वेश्चन मैं मैथ के अटेम्प्ट कर लेता पक्का, आते हुए भी मैंने एग्जाम छोड़ दिया, क्यों टाइम कम था। तो प्रैक्टिस अभी से करिए, इन 41 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लीजिए, पढ़ने के भी स्किल्स क्या होने चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करना है उसके स्किल्स आपको आने चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था, वो वर्ष हमको पता करना है यहाँ पर, 1960, 1965, 1969 या फिर 1980। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 1969। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं, 70, 80, 71, 72, 78। क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो और लेवल भी मुझे थोड़ा हाई लग रहा है क्योंकि इतना आइडिया शायद, ये क्वेश्चन शायद पिछली बुक में नहीं है, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़िए इसको, देखते हैं आपने अब तक कितने वीडियो सर्च करे हैं यूट्यूब पर या फिर कौन सी बुक में से आपने स्टडी करी है। अगर आपका इसका राइट आंसर आता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, मैं ये कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 31, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुआ था, 1990, 1994, 1996, 1998। 31, 31 का राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1994। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है किसको, दक्षिण पूर्व रेलवे को, पूर्व मध्य रेलवे को, उत्तर रेलवे को, मध्य रेलवे को। 32, 32 का राइट आंसर रहेगा आपका ए, जी हाँ दक्षिण पूर्व रेलवे को। क्वेश्चन नंबर 33, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। 33, 33 का राइट आंसर रहेगा आपका जी सी, उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन 34 है कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। 34, 34 का राइट आंसर रहेगा आपका इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों। 35 राइट आंसर है इसका ये तीनों। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई, दिल्ली भारत की राजधानी। तो इसका आंसर भी काफी इजी है वैसे तो, थोड़ा सा लेकिन डाउट होगा बच्चों को 2002, 2005 में, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका बच्चों 2002। ठीक है, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, 37, 37 का राइट आंसर है आपका सी, 21। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, लड्डू क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से इसको, आप खुद पढ़िए, लीजिए आप 10 सेकेंड इसमें। दस सेकंड का वैसे क्वेश्चन नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप और आपका IRCTC फुल फॉर्म कहीं मिली नहीं अब तक पढ़ने के लिए किसी बुक में, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। 39 नंबर है क्वेश्चन नंबर की, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, मुंबई। 39, 39 का राइट आंसर रहेगा आपका मुंबई। सोचिए मत बस, केवल GS में जो आता है सो आता है, जो नहीं आता वो जाता है, जाने से बचाओगे रिवीजन के साथ, अगर रिवीजन करोगे तो नहीं जाएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो पक्का जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, बेंगलुरु, चितरंजन, पेराम्बूर, कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 40, 40 का राइट आंसर है आपका बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हैं, 58, 60, 65, 69। तो 41 का राइट आंसर है आपका डी, 69। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, जी हाँ बस, देखते हैं आप कितना भेजते हैं स्कोर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आपका स्कोर क्या रहा। देखिए क्या होता है, छोटी सी बात है, अगर घर में छोटा भी गलती करता है और बड़ा उसको नज़रअंदाज करता है तो शायद वह बड़ा अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको समझाना चाहिए छोटे बच्चे को कि वो गलत कर रहा है। उसी तरीके से हर वीडियो में मैक्सिमम मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको समझाऊँ, आप जहाँ पे गलत हो वहाँ पे आपको मैं टोकूं, टॉन्ट मारूं। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में सिर्फ टॉन्ट मारते हैं, एक बच्चे कमेंट्स में आया था, अब एक चीज़ बताइए, घर वाले कुछ ना बोले, टीचर आपको कुछ ना बोले,
पड़ोसी आपको कुछ ना बोले, और जो टीचर है वो भी आपको कुछ ना बोले यूट्यूब के माध्यम से, मतलब आपको कोई कुछ ना बोले, आप गलत करते रहो, हर इंसान आपका साथ देते रहे, सबकी बस की होगा बच्चों, बट मेरी बस की नहीं है। अभी आपने वीडियो देखा, अब मुझे ये बताइए, ईमानदारी से आपने A4 पेज उठाया, उसमें नंबर लिखे 1 to 41, स्कोर बनाया अपना? जिसने बनाया अच्छी बात है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जिसने कुछ अब तक पेपर भी नहीं उठाया, बस केवल निहार रहा है डिस्प्ले को मोबाइल के। वाह, इसका आंसर ये है, कुछ का है कुछ का नहीं है, ये ऐसी पढ़ाई नहीं, नहीं नहीं होती। सबसे पहले आपको लूसेंट बुक पढ़नी पड़ेगी, नीली वाली, उसके कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, उसमें से कितना पढ़ना है वीडियो देखिए, बुक को अपने हाईलाइट करिए, उस समय भी आपको बुक को लेके बैठना है। Volume 1 रेलवे की जो बुक है, उसको बुक का अगर आप परचेस नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके नोट्स आपने तैयार करने हैं। फिर आप आइए इस Volume 2 में, ऑब्जेक्टिव बुक को देखिए कितना आपका स्कोर रहा। अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आपने नीली वाली बुक को ढंग से नहीं पढ़ा। देखिए 41 क्वेश्चन थे, अगर आपका स्कोर 35 से कम रहा है तो आपको थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है, आपको केवल Volume 1 रीड करनी है, ठीक है? अगर आपको 30 से कम स्कोर रहा है तो आपको लूसेंट के सभी वीडियो वॉच करने हैं, प्लस प्लस क्या Volume 1 को भी पढ़ना है। 30 से कम का स्कोर कहीं ना कहीं नेगेटिव, आप डेंजर जोन में खड़े हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए उस बुक का, लूसेंट प्लस इसका रेलवे Volume 1 का। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा, देखता हूँ रिस्पॉन्स आपका क्या आता है। इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, बाय बाय। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो को शेयर प्लीज़ जरूर करिए, क्योंकि शेयर वीडियो बहुत कम हो रहे हैं, बहुत 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 कम हो रहे हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे।